Welcome back, you're watching Bat & Bowl and we are in the historical city of Meerut with one of my favorite bowlers, Praveen Kumar. Now, Praveen, आपने इस ग्राउंड के बारे में बताया कि आप यहाँ बचपन से आ रहे हैं, पर जहाँ तक मेरा मानना है, देखते हुए इस पार्क को, कि इसके साथ कुछ इतिहास भी अटैच्ड है? हाँ, यहाँ पे पहले जेल होती थी बहुत पुराने समय में, फिर वो जेल वेल ख़त्म हुई और ये मेरठ कॉलेज मेरठ को दे दिया गया सारा ग्राउंड. अब यहाँ पे सिर्फ गेम्स होते हैं, कोई मतलब कुछ नहीं, बंदी नहीं बनाया जाता किसी को गलत बॉलिंग करने के. प्रवीण, अब बात करते हैं आपकी इंजरी की. T20 वर्ल्ड कप जो अभी हाल ही में वेस्ट इंडीज़ में कंडक्ट किया गया था, उसमें आप गए, आपने इनिशियली एक दो मैचेस भी खेले, पर एक साइड स्ट्रेन की वजह से आप बाकी का क्या कहते हैं जो दौरा था वो कंप्लीट नहीं कर पाए. डिसअपॉइंटिंग रहा होगा आपके लिए? बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट रहा और मैंने मिस किया मतलब आगे के मैचों को, तो बहुत दुख हुआ मुझे कि मेरा मन था बहुत आगे खेलने का, तो आगे दो मैच के बाद कि मैं खेलूँ, परफॉर्मेंस करें, मैं भी हिस्सा बनूँ टीम का, जीते टीम, तो मेरे लिए काफ़ी दुखद था. इंजरी होने के बाद आपको ये डर सा भी रहता है कि ये दोबारा ना हो जाए और कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है, मेरा एक्शन बिगड़ सकता है, इस बात को लेके मतलब टेंशन तो रहती हो? नहीं, ये टेंशन रहती है कि ये इंजरी दोबारा ना हो, मतलब दोबारा ना हो जाए, तो उसी के लिए हम लोग NCAA जाते हैं कि अच्छे से तैयार होके आए ग्राउंड पर, अच्छे से मेहनत करके आए, तो डर तो सताता है कि ये दोबारा ना हो, दोबारा होगी तो फिर ज़्यादा दिक्कत हो. प्रवीण, मतलब हम और आपको तो मालूम होगा साइड स्ट्रेन होता क्या, पर एक जो आम आदमी है उसको मालूम नहीं होगा कि ये एक्चुअल में इंजरी होती क्या है, तो आप ज़रा हमें विस्तार से बताएंगे कि हुआ क्या था? मेरे को साइड में दर्द था और मुझे लगता था कि ये उसका दर्द है, एक स्टोन पेन होता है, तो मैं सोच रहा था कि ये स्टोन पेन किडनी स्टोन किडनी स्टोन तो मैं सोच रहा था ये स्टोन है और ठीक हो जाएगा, लेकिन वो कुछ ज़्यादा ही हो गया एकदम से. फिर हमारे फिजियो ने और उन्होंने देखा तो उन्होंने मेरे को बताया ये है, तब पता लगा. प्रवीण, फिटनेस के बारे में आपकी क्या राय है? अगर हरभजन सिंह की बात की जाए तो वो वेट ट्रेनिंग में विश्वास नहीं रखते हैं, वो कहते हैं कि वेट ट्रेनिंग से उनका एक्शन बिगड़ सकता है क्योंकि जो मसल मास होता है वो आपके एक्शन को किसी ना किसी तरह तोड़ मरोड़ के बिगाड़ सकता है, तो आपका भी ये मानना है? आई एम श्योर वो स्पिनर हैं आप. वेट ट्रेनिंग करनी चाहिए लेकिन बहुत बहुत ज़्यादा भी नहीं करनी चाहिए मेरे हिसाब से, तो क्योंकि मैं भी थोड़ा दूर ही रहता हूँ वेट से. लोगों का अपना अपना सोचना है, जो भाई अलग सोचते हैं और लोग अलग सोचते हैं, तो बहुत से होते हैं रनिंग कम करते हैं, जिम कम करते हैं, बहुत से जिम ज़्यादा करते हैं, रनिंग भी ज़्यादा करते हैं, तो अलग अलग लोगों का शरीर है वो उसी हिसाब से चलता है. जब दो साल पहले हम मिले थे बात इन बोल में तब आपका वेट कम था, आज आप काफ़ी ज़्यादा मस्कुलर हैं, तो ये वेट ट्रेनिंग की वजह से है या आपकी डाइट इम्प्रूव हो गई, आपका फिटनेस का जो ज्ञान है वो बढ़ गया है? हाँ, सारी चीज़ें हैं, डाइट पे भी थोड़ा ध्यान देते हैं हम लोग, बैडी अपटन बोलता रहते हैं हम लोगों को कि ऐसा करना है वैसा करना है, तो सब प्लेयर लोग ध्यान दे रहे हैं डाइट पे भी और मेहनत भी बहुत कर रहे हैं हम लोग. अच्छा प्रवीण, अब एक दूसरे पन्ने पर चलते हैं और अब बात करते हैं आपके टेस्ट डेब्यू की, जो अभी तक हुआ नहीं है. हर एक क्रिकेटर का एक अरमान होता है, यू नो, ख्वाब होता है कि वो टेस्ट क्रिकेट खेले. आप अभी तक ODIs ही खेलते आए हैं, टेस्ट क्रिकेट में आज तक आपको कंसिडर नहीं किया गया है, तो इस बात को भी लेके आप दुखद रहते होंगे या? नहीं नहीं, मैं दुखी नहीं रहता इस चीज़ को लेके, वो तो सिलेक्टर का काम है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, अपना काम है परफॉर्मेंस करना, मेहनत करना. नहीं, पर आप चाहते तो होंगे टेस्ट में इंडिया को रिप्रेजेंट? नहीं, हर कोई चाहता है, मैं क्या, हर कोई चाहेगा, कोई भी जो इंडिया के लिए खेलेगा वो चाहेगा कि टेस्ट टीम में आए. तो कैप्टन धोनी अक्सर कहते रहते हैं कि प्रवीण कुमार एक स्ट्रीट स्मार्ट बॉलर हैं. स्ट्रीट स्मार्ट का मतलब ये कि वो ODIs और T20 में अपना जादू और अपनी कला दिखा के यू नो टीम को जितवाते हैं, तो क्या ये वजह तो नहीं है कि वो आपको टेस्ट क्रिकेट में फिट नहीं मानते हैं? नहीं, इतना तो मुझे ज्ञान नहीं है, लेकिन जो वो कह रहे हैं तो ठीक ही कह रहे होंगे, बाकी तो काम वही है, ग्राउंड पर जाना, मेहनत करनी है, मतलब एक जिस टीम के लिए खेलो उसके लिए परफॉर्मेंस करना और जीत का हिस्सा बनना, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. आपने डोमेस्टिक क्रिकेट में तो यू नो काफ़ी इंप्रेसिव परफॉर्मेंसेस दी हैं, दिल्ली के खिलाफ आपने एक इनिंग्स में 8 विकेट ली थी और यूपी को भी आपने काफ़ी हद तक यू नो काफ़ी मैचेस जितवाए, 41 विकेट्स लिए आपने एक सीज़न में और साथ ही साथ 360 के करीब अगर मैं गलत नहीं कह रहा हूँ रन बनाए, तो इन बातों को मद्देनज़र रखते हुए आपको तो टेस्ट क्रिकेट कब की खेल लेनी चाहिए थी?
नहीं वो तो सेलेक्टर का ही देखना है कि कौन क्या कर रहा है कैसे कर रहा है, लेकिन हम लोगों को तो बस यही है कि परफॉर्मेंस करो और खुश रहो बस। प्रवीण, अगर बात करी जाए इंडियन टीम की तो कंपटीशन काफ़ी बढ़ता जा रहा है, एक फास्ट बॉलर के लिए खासकर। ईशांत शर्मा हैं, आशीष नेहरा हैं और बाकी कुछ और बॉलर्स भी हैं जो अपनी जगह बनाने के लिए बहुत उतावले हो रहे हैं, तो कभी इन बातों को सोच के आपको अपनी गेम बरकरार करने का मौका मिलता है? नहीं, अच्छा है, कंपटीशन है तो सब अच्छा अच्छा सोचते हैं, सोच अच्छी होनी चाहिए कि साथ वाले परफॉर्मेंस करें उससे जीते टीम, हम भी परफॉर्मेंस करें उससे जीते टीम, तो यही है कि आपस में सोच अच्छी रखनी चाहिए कि कौन कैसा कर रहा है, कभी किसी से चिढ़ना नहीं चाहिए कि ये ऐसा ये ऐसा, तो अच्छी चीज़ है, कंपटीशन बढ़ रहा है तो देश के लिए अच्छा है। आप मेरठ में पले बढ़े, तो कभी यहाँ रहने की वजह से आपको लगा कि आपकी गेम में या आपकी तरक्की में कोई कमी आई या कोई खामी आई? फैसिलिटी सारी अवेलेबल रही आपको? नहीं, शुरू में नहीं थी उतनी फैसिलिटी, लेकिन अब तो हो गया 3-4 साल से, अब तो सारी फैसिलिटी मिल रही, और उतना हम लोगों ने ध्यान भी नहीं दिया कि क्या चीज़ कि यहाँ पे कमी है क्या नहीं है। जैसे मिला वैसे खेले, मैटिंग पे भी खेले, टफ विकेट पे भी खेले, पहले तो मैटिंग पे ज़्यादा खेलते थे, तो उतना ध्यान नहीं दिया, वो जिम भी नहीं करते थे उतना, अब तो हर तरीके से जिम करते हैं। 2011 वर्ल्ड कप आने को ही है, उसको लेके आप कुछ उम्मीदें रखते हैं, खेलना चाहते होंगे उसमें? ऑफकोर्स, हाँ डेफिनेटली, तो उसके लिए तैयारी है? तैयारी पूरी चल रही है, सब लोग तैयार हैं और देखते हैं बाकी तो जैसे होता है। इन 2 सालों में आपको जो सबसे ज़्यादा चीज़ मिली है वो है एक्सपोजर सीनियर्स के साथ खेलने का, सहवाग, तेंदुलकर, इन सब दिग्गजों के साथ खेलने का, तो कैसा रहा आपका तजुर्बा, इनसे क्या सीखा आपने इन 2 सालों में? नहीं, जितने भी सीनियर्स हैं यही सीखने को मिलता है कि हर टाइम पॉजिटिव रहना चाहिए इंसान को, कभी भी नेगेटिव नहीं सोचना है, और मतलब अच्छा ही सोचना है, कभी वो नेगेटिव थॉट आती नहीं है दिमाग में, तो ये सब लोग कोशिश करते हैं कि इससे भी परफॉर्मेंस निकले, उससे भी परफॉर्मेंस निकले, टीम जीते, यही सब है।